हाँ आजो मरना है, कलो मरना है, तो टेंशन है, मर गया तो करोने से मर गया, क्या करेगा, गरीब आदमी का दिक्कत है, पाए वाला को कौन दिक्कत होता है, कुछ नहीं दिक्कत होता है, कई वो गरीब मरा, कई वो आगल पागल मरा है, उसको लिए बीमारी नहीं है, खाली हमारा सबके लिए गरीब आदमी कमाता खाता वही टेंशन है। अब गरीब आदमी जिएगा कहाँ से, पड़का वाला लॉकडाउन लगेगा तो जीबे नहीं किया, कर्जा खाया से इनकी सोचा खाली साले साले करोने हो जाता, इनकी 200 रुपया करवा तेल के कर दिया, इसलिए इनकी 200 रुपया करवा तेल के कर दिया, सब चीज इधर से देता है, इधर महंगाई कर देता। और घर से अभी ही आए हैं, काहे कि घर में रहते रहते थोड़ा सा मन उबने लगा, तो सोचे कि थोड़ा सा बाहर का भी जो है हवा थोड़ा खा लेते हैं मास्क लगा करके। यहाँ प्रशासन यूनिवर्सिटी वाला बड़ा बाबू आके बोले कि 3 आदमी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद कोई भी क्षेत्र में अगर जाए तो मारता है, उसके बाद 500 का चलान कर देता है। मास्क नहीं लगाए चाची? नहीं लगावे छे, लगाने लगाने हैं, हमेशा दुकान पे रहते हैं तो आपको तो लगा लेना चाहिए ना। लगाने छे, हाँ आजो मरना है, कलो मरना है, तो टेंशन है, मर गया तो करोने से मर गया, और कोई बात विचार नहीं है, क्या करेगा, गरीब आदमी का दिक्कत है, पाए वाला को कौन दिक्कत होता है, कुछ नहीं दिक्कत होता है, कई वो गरीब मरा, कई वो आगल पागल मरा है, उसको लिए बीमारी नहीं है, खाली हमारा सबके लिए गरीब आदमी कमाता खाता वही टेंशन है, गरीब आदमी जिएगा कहाँ से, पड़का वाला लॉकडाउन लगेगा तो जीबे नहीं किया, कर्जा खाया से इनकी सोचा खाली साले साले करोने हो जाता है, हम सब सोचते हैं ककड़ी मर जाए, अभी मर जाएंगे तो तर जाएंगे, बुरा में मरेंगे तो कोई एक लोटा पानी भी नहीं देगा, बहुत अंदर से तकलीफ है। सरकार तो सुविधा दे रही चाची, तो पिछला साल तो खूब दिया था अनाज, तो वैसे इनकी 200 रुपया करवा तेल के कर दिया, इसलिए इनकी 200 रुपया करवा तेल के कर दिया, सब चीज इधर से देता है, इधर महंगाई कर देता है। आप देख रहे हैं कि जो रोष है वो रोष हर एक घर में पहुंच चुकी है, 200 रुपये करवा तेल। क्या नाम है? मेरा नाम नंद किशोर है। ये बताइए अभी क्या कर रहे हैं? हाँ तो अभी लॉकडाउन का पूरा पालन करते हैं, और घर से अभी ही आए हैं, काहे कि घर में रहते रहते थोड़ा सा मन उबने लगा, तो सोचे कि थोड़ा सा बाहर का भी जो है हवा थोड़ा खा लेते हैं मास्क लगा करके, देख लेते। यही बात सब आदमी कहने लगे कि हम थोड़ा देर निकलते हैं तो भीड़ तो हो जाएगी, फिर वही बात होगा। घर में तो भैया ऐसा भी होता ना कि बिजली कट गया तो फिर उसके बाद तो ऐसे भी सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। क्या नाम है भैया? बाबूलाल यादव। कहाँ घर है? दमला। यहाँ पे क्या करने के लिए पहुँचे हैं? यहाँ रिक्शा चला रहे हैं। क्या समस्या हो रहा है? लॉकडाउन है तो क्या कमाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या ऐसे में आपका परिवार चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है? जब कमाई नहीं होता परिवार कहाँ चलेगा, कमाई होगा तभी तो परिवार चलेगा। 2 पैसा कमाने के लिए यहाँ रहते हैं, हो जाता है ना? हाँ हो जाता है, मगर रास्ता में जो मारता है उसको क्या किया जाए। कौन मार रहा है भैया आपको? प्रशासन मार रहा है, 3 सवारी का अलाव है, मगर 3 सवारी लेके जाने के बाद भी मारता है, उसके बाद पैसा का चलन कर देता है। 3 पैसेंजर से 4 पैसेंजर यहाँ नहीं बैठता है, जैक्सन से जो भी सवारी उतरता है तो 3 से 4 नहीं होता। मगर फिर भी यहाँ प्रशासन यूनिवर्सिटी वाला बड़ा बाबू आके बोले कि 3 आदमी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद कोई भी क्षेत्र में अगर जाए तो मारता है, उसके बाद 500 का चलान कर देता है। तो ये समस्या है ऑटो चालक का, जहाँ अमूमन 5-6 सवारी बैठ सकता है, लेकिन लॉकडाउन का जो गाइडलाइंस है उनको बड़ा बाबू के द्वारा समझाया गया है कि आपको 3 ही पैसेंजर बैठाना है, और ये लोग 3 ही पैसेंजर लेके जाते हैं। ऐसे लोगों का आवाज हम सिर्फ उठाते हैं, और हम उठाने का प्रयास करते हैं मिथिला दस्तक के माध्यम से उठाते हैं, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि इनकी दर्द, इनकी समस्याओं को आप लोग भी समझिए किस प्रकार से है, और यदि आप इनके साथ में सिंपैथी रखना चाहते हैं तो आप शेयर कीजिए इतना कि ताकि अधिक से अधिक लोग इस बात को समझ सके, और प्रशासन इस बात को समझे कि हम इनके साथ में ज्यादा नहीं करें। दरभंगा से आपको लाइव दिखाए हैं, और दरभंगा की क्या स्थिति है, जो बहुत बड़े जंक्शन है मिथिला क्षेत्र में, तो ऐसे जंक्शन से हम आपको तमाम वो समस्याओं, तमाम वो जगह को दिखाए हैं, कवरेज किए हैं, जहां समस्याएं थी, जन समस्याएं थी, उस समस्याओं को दिखाने का प्रयास किए हैं, चाहे पुली का समस्या हो, ऑटो चालक का समस्या हो, रिक्शा वाले का समस्या हो, या पैसेंजर का समस्या हो, या घोड़ा गाड़ी वाला जो टमटम होता है उनका समस्या हो, इन समस्याओं को दिखाने का प्रयास किए हैं। सब्जी वाले लोग तो है नहीं, फल विक्रेता था, उनका भी समस्या हम दिखाने का प्रयास किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।